रावण बाड़ा को इतना बड़ा इतनी बड़ी जमीन कैसे मिल गई, क्या वहाँ की जनता नहीं जान रही? ये भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में साफ हो गए बीजेपी। इनको ये भी नहीं पता है कि 12 सीट को अखिलेश ने मांगा ही नहीं था, अखिलेश ने 2 सीट मांगा था। कोई भी पार्टी अगर किसी भी राज्य में तीसरी बार सरकार बना रही है तो कांग्रेसियों को और चमचों को ये समझना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हम कांग्रेस बर्बाद हो, हमसे क्या मतलब है? तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं विकास का कार्य किया होगा और उस विकास के कार्य को जनता को समझ में आया होगा और ये जनता का अधिकार क्षेत्र है कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीनियर भारत, मेरा नाम कनक मिश्रा है, आप सबकी अपनी ऑटो रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में बीजेपी ने अपने जीत का पंचम लहरा लिया है, वहीं जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम बात करेंगे राजधानी में उतर कर यहाँ की जनता से कि क्या कुछ कहना है इनका, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हुसैन नाम है। अच्छा हुसैन जी, ये बताइए कि जब बात आती है बीजेपी और कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे आती दिख रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि उसको सिर्फ 6 सीटें मिली और वहीं पर बीजेपी को 29 सीटें मिली, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कार्यकर्ताओं और पार्टी की कुछ ना कुछ तो कमी रही है, हाँ। लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अलायंस के तहत में सरकार तो कांग्रेस की ही बनी है। अच्छा। आप इसको तो बात मानेंगी, हाँ। और हरियाणा में हमने बेटर प्रदर्शन किया है पहले, हाँ। के मुकाबले, आप इसको भी एक्सेप्ट करिए कि पहले जो स्थिति थी और अब की जो स्थिति है उसमें हम काफ़ी बेटर हैं, हाँ। अब हमारे जो विधायक हैं उसकी संख्या बढ़ी है हमारे आपके हरियाणा में। और बात रही जम्मू कश्मीर की, तो देखिए वहाँ पे एक अलायंस चलता है जो मुस्लिम लीग की तरह एकदम तक काम करता है, तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन का जो फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन हुआ तो जिसमें जितनी सीटें मिली थी उस हिसाब से वहाँ पे चुनाव हुए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा अगर हम कहें तो अच्छा प्रदर्शन ही रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी काफ़ी अच्छा किया है वहाँ पे। हिंदुओं से थोड़ी निराशा हुई है कांग्रेस को वहाँ पर, हिंदुओं से निराशा होगी, मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहाँ पर ना उनके कांग्रेस के, तो हिंदू वोटर नहीं है क्या? हिंदू वोटर थोड़ी निराशा हुई है, कम वोट मिले हिंदू के। ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ का जो कारोबारी आदमी है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहाँ पे 370 बी सेक्शन लगने के बाद से और जो क्या कहते हैं GST लगने के बाद से जो वहाँ का व्यापारी आदमी है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ का व्यापारी है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई है सरकार को। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। अच्छा सतपाल जी, ये बताइए आपकी जब बात आती है कि बीजेपी की और कांग्रेस की तो आजकल पता नहीं क्यों कांग्रेस थोड़ी पीछे होती दिख रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? और ये भी मुझे बताइएगा साथ ही साथ कि हरियाणा में कांग्रेस के हारने की क्या वजह है? देखिए एक बात बताएं, यहाँ पे 2-3 बातें मैं कर दूँ। 2 मैच हुए थे और एक में कांग्रेस जीती एक में भाजपा जीती, यानी कि मैच टाई हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कटोगे तो बटोगे, तो हम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में बाबा का कटोगे तो बटोगे जो फैक्टर है वही काम आया, उसी की वजह से जीत हासिल हुई। वही बताने जा रहा हूँ, बाबा का हरियाणा में काम आया। और देखिए यहाँ पर दूसरे अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम जम्मू के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा में भी बाबा का ये स्लोगन काम आया कि बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में जो बटे नहीं वहाँ इसलिए कटे नहीं, उन्होंने बीजेपी को एक भ्रष्ट पार्टी को जिताया। अच्छा, नहीं नहीं, शिक्षा को दरकिनार किया, उन्होंने किसानों की MSP को दरकिनार किया, उन्होंने महिलाओं की इज्जत को जो एक मिनट रेसलर्स को अपमानित किया, उन्होंने युवाओं को अपमानित किया और एक भ्रष्ट पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बटोगे और कटो की नीति में वहाँ पर सत्ता में ले आए। मगर दूसरा सवाल सुनिए ना, आप जम्मू की बात सुनिए, जम्मू में भी यही हुआ, बाबा का वो स्लोगन वहाँ भी काम कर गया। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को बोलने तो दीजिए। अब जम्मू में भी यही फैक्ट चला कि इंडिया गठबंधन को ये भी समझ में आ गया कि जो बाबा कहते हैं कि अगर बटोगे कटोगे तो वहाँ पर भाजपा सरकार आ जाएगी जम्मू कश्मीर में, तो वो बटे नहीं, इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी छोटी बड़ी पार्टियों ने सबने मिलकर वहाँ चुनाव लड़े और बकायदा वहाँ पर अब वो सत्ता तो मतलब में आपने अपने दिमागी सुकून के लिए कोई भी कहानी बना दी। क्या नाम है आपका? मैंना अनूप शुक्ला है। अनूप शुक्ला जी, ये बताइए आपकी हरियाणा में कांग्रेस के हारने की वजह क्या रही? जैसे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि भैया हम ही जीतेंगे, कैसे हार गया? कांग्रेस का हारने का कारण सबसे बड़ा था
जो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो कुमारी शैलजा जी को, हाँ कुमारी शैलजा जी को अब शब्दों का इस्तेमाल करा। असल में शैलजा जी बहुत आप कहना चाहते हैं कि शैलजा जी की वजह से आ रहे हैं, शैलजा जी की वजह से जो भी एससी एसटी जो वोटर्स थे वो पोलराइज हुए और ये कहा कि अगर ये लेडी कांग्रेस के लिए सब कुछ कर रही है, अगर इसको ये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्या है। और शैलजा जी ने भी साइलेंट होके चुप बैठ गई और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। और एससी एसटी उसके अलावा अगर थोड़ा सा अखिलेश यादव जी को 10-12 सीट अगर कांग्रेस दे देती, भाजपा को 12% यादव वोटर्स जो हैं हरियाणा में वो सीधा सीधा भाजपा को खुलकर अपना वोट किया। हाँ, और एक चीज़ और हुई है, जाट जाट और नान जाट के हिसाब से पोलराइज हुए, ये भाजपा को नान जाट को छू नहीं पाए वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस कारण से भाजपा जीती है। एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी पार्टी अगर किसी भी राज्य में तीसरी बार सरकार बना रही है तो कांग्रेसियों को और चमचों को ये समझना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिजूल की पिकिर पिकिर यहाँ जो करते रहते हैं ना, ये कांग्रेसी क्षेत्र है, फिजूल की पिकिर पिकिर करते हैं। ठीक है, अगर भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बना रही है, राज्यों में तीसरी बार सरकार बना रही है, कांग्रेसी कह रहे हैं ईवीएम की बैटरी ने प्रॉब्लम करी है, मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना रही है, तो इनको आत्ममंथन करना चाहिए और फैक्ट्रियों में जलेबियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, और इनको आत्ममंथन करना चाहिए। आगे आगे वाले चुनाव हैं, ठीक है, ये पप्पुओं की बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, भाजपा जब तीसरी बार किसी राज्य में सरकार बनाती है तो इनको आत्ममंथन करना पड़ेगा और नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। पप्पू नहीं, गप्पू से सीखना पड़ेगा। पप्पू तो फिर भी सही है, गप्पू जो है गप मारता रहता है। मान गए क्या आप? नहीं, ये बस पप्पू बता रहे हैं ना, है क्या? कोई नेता नहीं, हम आम आदमी है, आम जन है, आम कांग्रेस। और इनको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में साफ हो गए बीजेपी। इनको ये भी नहीं पता है कि 12 सीट को अखिलेश ने मांगा ही नहीं था, अखिलेश ने 2 सीट मांगा था, वो दे देना चाहिए। बता रहे 12 सीट दे देते हैं, एक बात कहना था कि दे देते कैसे, जब 2 मांग रहे, जब अखिलेश ने 2 सीट का डिमांड किया था तो 12 सीट कैसे मिलेंगे। अखिलेश ने 2 सीट का डिमांड किया था और राहुल मान भी गए थे, राहुल मान गए थे, अब हमको बोलने दो, और राहुल मान गए थे और आपसे भी गठबंधन मांग गए थे। पर ये जो हुड्डा है, हुड्डा नहीं मांगने, ये गलती हुड्डा की है और हुड्डा नहीं माने, हुड्डा 75 सीट अपना किए। इसमें राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, राहुल गांधी नहीं बोले। ये इलेक्शन अगर 2% आपका सीट शेयर था, 39% राहुल जी कांग्रेस का था, 41 होता, ये जीत जाते। कहीं सामने आ रहा है, आंकड़े सामने आ रहे हैं कि हुड्डा और ये जो आपकी कुमारी शैलजा हैं, इनकी आपसी कुछ रंजिश की वजह से शायद कांग्रेस हारी है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, और भी एक है, वो भी हैं, रणदीप भी है, रणदीप एक रणदीप थे और एक हुड्डा थे और एक शैलजा थी, ये तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अब यहाँ पर देखिए, 2018 में जो छत्तीसगढ़ में थे उसमें भूपेश बघेल का चेहरा नहीं किया था, साहू का चेहरा नहीं, टीएन सिंह का चेहरा नहीं दिया था, वो जीत गए इलेक्शन। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा नहीं दिया था, अशोक गहलोत का चेहरा नहीं दिया था, तो वो जीत गए। मध्य प्रदेश में 18 में कमलनाथ का चेहरा नहीं दिया था, दिग्विजय का नहीं दिया था, ज्योतिराज सिंधे का चेहरा नहीं दिया था, वो जीत गए। यहाँ क्या किया इन्होंने गलती, 23 में चेहरा दे दिया, भूपेश बघेल का चेहरा दिया वो हार गए, कमलनाथ का चेहरा दिया वो हार गए, और यहाँ पर हुड्डा का चेहरा दिया वो हार गए। इनको चेहरा नहीं देना चाहिए था, इनको ऐसे ही लड़ाना चाहिए था। पहली बात, ये राहुल को अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करना होगा। दूसरी बात ये है कि हुड्डा की जो छत्रफ है उन पर आपको थोड़ा लगाम करना पड़ेगा। ठीक है, आप योगी की तरह हिटलरबाजी, आप मोदी की तरह हिटलरबाजी नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी रखते हैं, पर डेमोक्रेसी में भी आप अपना बात रखिए, मेन आप डिसीजन लीजिए कि कितने लोगों को सीट जाना है। अगर हुड्डा 75 सीट दे रहे हैं तो देखना होगा, आपको 30 दें, शैलजा को 30 दें और उनको 30 दें, इस तरीके से। किससे पूछ लें, क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या पूछ लें बताइए। ये जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इमरजेंसी लगाने वाले डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। चलिए साहब, ये बताइए कि जब बात हम लोग कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से पीछे ही आती दिख रही है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में छह सीटों में सिमट गई, भले ही वहाँ पर हार गई बीजेपी, लेकिन और बाकी हरियाणा में वो 47 सीटों में सिमट गई, तो क्या कहेंगे आप? किसको कहेंगे, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे इसमें आपकी बीजेपी से कांग्रेस पीछे क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस कहाँ पीछे आ रही है? हरियाणा तीसरी बार जीत रही है एमपी, मध्य प्रदेश, भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कांग्रेस पीछे आ रही है। कांग्रेस से हमसे क्या मतलब? कांग्रेस एकदम टूट गई है, कांग्रेस बर्बाद हो जाए, भाजपा ही है। हम क्या कह रहे हैं? हम कांग्रेस बर्बाद हो जाए हमसे क्या मतलब है? इसका मतलब आप भाजपा ही है। अरे हम भाजपा ही मानसिकता ही है, बिल्कुल बिल्कुल है। बीजेपी जीत गए। अखिलेश यादव सीट मांगे थे राहुल से, क्यों नहीं सीट दिए बताइए? क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा नाम। हरियाणा चुनाव पे जो चीजें हुई, जो रिजल्ट आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरी लॉबी भारत की लगी रही हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस में केवल केंद्रीय नेतृत्व के एक ही राहुल गांधी जी हैं जो प्रचार प्रसार किया उन्होंने। जो सबसे बड़ी कमी ये रही है कि कांग्रेस परिवार में सबसे बड़ी कमी ये है कि अन्य प्रांतों के लोगों को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया जाता है। जैसे अगर यहाँ से योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने यहाँ का बड़ाई किया, अगर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के या अन्य लोग गए होते वहाँ तो यहाँ की वास्तविकता को बताते, तो जनता वहाँ से समझ में आती उसको कि क्यों 36-42 सीट यह हार गए थे। तो जब ये समझ में आती तो निश्चित तौर पर वोट बदलता। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी आई है कि वो क्षेत्रीय, मतलब जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनको केंद्र में नहीं लाना चाहते, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये किन लोगों का रणनीति है, इस राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको केंद्र में लाएं और केंद्र के जो एक उम्र दराज हो चुके हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में ले जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी ने एक जलेबी की बात करी थी। जलेबी जो है भारत की राष्ट्रीय मिठाई है और हर गरीब अमीर की मिठाई है। सबसे ज़्यादा यहाँ तक गंगा दशहरा में, गंगा स्नान में भी खाया जाता है, अभी दशहरा में भी खाएंगे जलेबी लोग। तो और उसी जलेबी का आज भाजपाइयों ने तला भी है जलेबी, और जलेबी खाया भी है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के जलेबी को तो एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित तौर पर इस बात का सही है। लेकिन दूसरी बात कहना चाहते हैं, जो वहाँ व्यवस्थाएँ खराब हुई, सीधी बात यह है कि राहुल गांधी जी को ये चाहिए था कि अन्य प्रांतों के लोगों को बुलाते, प्रचार प्रसार करते। आप कहने का मतलब है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की थोड़ी सी लापरवाही, उनकी गलती है कि हरियाणा में जो हुआ कुछ, बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई, तो इसमें कांग्रेस की हार का क्या बड़ा रीज़न है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव अधिकतर ये भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रिपीट किया, लगातार चुनाव जीतने का प्रक्रिया जारी है। चुनाव हमेशा विकास से लड़ा जाता है, हम इस पर नहीं देखते कि वहाँ कौन सा नेता प्रचार किया, कौन सा नेता नहीं प्रचार किया। या चुनाव हमेशा एक मुद्दे से लड़ा जाता है, शिक्षा, विकास या लाइन ऑर्डर, तीन बड़े मुद्दे होते हैं। यही चीज़ें यूपी में भी देखने को मिली थी, दो बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है। अभी ताज़ा मुद्दा उपचुनाव का, 10 टिकट, जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं यूपी में, 6 टिकट अखिलेश यादव ने दे दिया। गठबंधन एक तरीके से देखा जाए, भारत इनके केंद्रीय नेता मना कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। अखिलेश ने टिकट दे दिया है माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आज की डेट में मुद्दा से कोई नहीं बात करता, हर आदमी जात की बात कर रहा है, हर आदमी अपनी पार्टी की कमी निकाल रहा है। मैं समझता हूँ चुनाव मुद्दे पे लड़ा जाए, शिक्षा पे लड़ा जाए और विकास पे लड़ा जाए, लाइन ऑर्डर पे लड़ा जाए, महिलाओं की सुरक्षा पे लड़ा जाए, ना कि किसी जात पात में बांट के चुनाव लड़ा जाए, ये मुझे नहीं समझ आता। और रही बात चुनाव जीतने की, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं विकास का कार्य किया होगा और उस विकास के कार्य को जनता को समझ में आया होगा, और ये जनता का अधिकार क्षेत्र है। हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये तो हम किसी से दबाव बना के ले नहीं सकते। हम अपना प्रचार कर सकते हैं और प्रचार प्रसार सभी पार्टियाँ करती हैं और पूरी कोशिश करती है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। ये तो अब जैसे आज ही कांग्रेस ने शिकायत किया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को, ये हुआ वो हुआ। अरे हम कहते हैं आप इतना फोकस अपने क्षेत्र पे अगर करें, अपने नेताओं पे करें, आप तो दूसरा असर जाएगा। तो ये चीजें माने रखती हैं। क्या नाम है आपका दादा? आचार्य रविंद्र योगी। भगवा गोल पेट क्या है, पक्का बीजेपी की तरफ से? ना, तो हम ही हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी 29 सीटों पर क्यों आके रुक गई? देखो, जम्मू कश्मीर एक अलग मैटर है। जम्मू कश्मीर आप जान रही हैं, सब देश पूरा जान रहा है, वहाँ एक विशेष समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग थे उनको भगा दिया गया था।
और अब जो वहाँ पे फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा वहाँ पे सीटें पाई हैं, समझ लो आप जम्मू कश्मीर में और हाँ कांग्रेस ख़त्म हो जाए और कांग्रेस की आपने वो देख लिया, कांग्रेस की पॉलिसी को देख लिया कि वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना चाहती है। सब लोग ये कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी जीती है वो योगी फैक्टर से जीती है कि कटोगे तो बटोगे, इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं और कह रहे हैं कि इस फैक्टर से वो हरियाणा में जीती है वरना वो ना जीत पाती। ऐसा डर के मारे जीत गई, डर के मारे नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, किसी को बहकाया नहीं जा सकता, एक बार बहका दोगे किसी को, एक बार वो बना दोगे चूतिया बना दोगे, बार बार नहीं बना पाओगे। और बाबा के डर से नहीं, देश की जनता प्रदेश की जनता देख रही है। और तुम लोगों ने जितना नैरेटिव वहाँ पे फैलाया हरियाणा में, हरियाणा में जाट सब जात में बांट दिया वहाँ जाट, और तुम लोगों ने वहाँ पे इतना वो कर दिया था कि वहाँ पे भ्रष्टाचार इन लोगों का ऐसा था। अभी रावण बाड़ा को इतना बड़ी इतनी बड़ी जमीन कैसे मिल गई, क्या वहाँ की जनता नहीं जान रही? और जान का उसी आधार पर वहाँ की जनता तीसरी बार रिकॉर्ड है जो मील का पत्थर साबित हुआ कि तीसरी बार हरियाणा में किसी की सरकार, दूसरी बार नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चूंकि हमने काम किया है सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे। और वहाँ पे जातिवाद का वहाँ पे हरिजन ज्यादा थे और हरिजनों ने हम लोग को वोट दिया, चूंकि हम हरिजनों के बीच में काम किए हैं, हम शेड्यूल कास्ट के बीच में काम किए हैं, हम पिछड़ों के बीच में काम किए हैं, तुमने तो सिर्फ जातवाद सिर्फ लूटवाद चला रखा था हरियाणा में, जिसका नतीजा वहाँ की जनता ने दिया है और आगे भी देती रहेगी। इन लोगों का खात्मा है खत्म। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, ये बताइए कि बीजेपी का जो अच्छा प्रदर्शन रहा हरियाणा में, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। कांग्रेस सरकार में वहाँ की मिलें जो थी, धान मिलें बंद कर दी गई थी, भाजपा सरकार ने उसको खुलवाया और स्वतः पूर्ण वहाँ जीत हुई है भाजपा की। कुल मिला के भाजपा ने वहाँ काम किया है। चलिए ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने लखनऊ की जनता से बात करी, लखनऊ की जनता का क्या कुछ मानना है बीजेपी और जम्मू कश्मीर के नतीजे पे। तो ऐसे ही तमाम रियलिटी चेक्स प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए। कैमरामैन अशोर के साथ मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।